हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं StudyIJ यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जो आज की अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है और यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, फॉर्म को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक वॉच करें, वीडियो इंपॉर्टेंट लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। तो फ्रेंड्स, बिना आपका टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की इस अपडेट को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, अगर हम इनके ऑफिशियल नोटिस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ऑफिशियल नोटिस निकाला गया है जिसमें कि रिक्रूटमेंट जो निकाला गया है 450 आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए निकाला गया है जो कि जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट के स्केल 1 के लिए वैकेंसी रहेंगी। इसका नोटिफिकेशन नंबर 27 को आया था। इसमें हम देख सकते हैं जो वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई हैं वो टेंटेटिव वैकेंसीज आपकी 450 रखी गई हैं। जो एश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो आपकी पब्लिक सेक्टर जनरल एश्योरेंस कंपनी है जो कि यहाँ पे इन्वाइट किए हैं, जिसने 450 ऑफिसर के लिए स्पेशल कार्डियर 1 की ये वैकेंसी रहेंगी ओपन मार्केट में। यहाँ पे वैकेंसीज आप देख सकते हैं रिस्क इंजीनियर के लिए 36 पोजीशंस रहेंगी, ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए 96 पोजीशंस रहेंगी, लीगल के लिए 70, अकाउंट के लिए 30, 75, यहाँ पे हेल्थ के लिए 23, आईटी के लिए 120, जर्नलिस्ट के लिए रहेंगी टोटल 450 वैकेंसी रखी गई हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को आप देख सकते हैं जो भी आपकी कैटेगरी है और इम्पॉर्टेंट डेट्स इसमें जो रहेंगी 1 अगस्त से अप्लाई कर पाएंगे, 21 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का फेस 1 का वो 9 सितंबर 2023 को रहेगा, ये टेंटेटिव डेट दी गई है। 8 अक्टूबर 2023 को जो रहेगा वो यहाँ पे फेस 2 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा जो कि ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर रहने वाला है। इसमें बाकी का हम बात करें तो यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड जो यहाँ पे रहेगा वो रेगुलर पे रोल पे रहेंगे आप। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोविजन पीरियड एट द रेट 1 ईयर का यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद में आपका जो रहेगा यहाँ पे एक्सटेंड भी किया जा सकता है ये प्रोविजन आपका नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। बाकी यहाँ पे जो गारंटी बॉन्ड आपका रहेगा मिनिमम आपका 4 ईयर्स का गारंटी बॉन्ड रहेगा। बाकी इमोलमेंट्स जो आपका रहेगा बेसिक पे आपकी 50,000 रहेगी एंड जो टोटल इमोलमेंट्स आपको दिए जाएगा यहाँ पे 80,000 का रहेगा अप्रॉक्सीमेट। जो आपकी 1 मंथ में आपकी सैलरी रहेगी वो 80,000 की रहेगी। बाकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका क्वालिफिकेशन 1/8/2023 से पहले पहले का कंप्लीट होना चाहिए। जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे एटलीस्ट ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे होना चाहिए तभी वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। 60% मार्क्स उसके यहाँ पर होने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी का एज क्राइटेरिया, यहाँ पे मिनिमम एज 21 रहेगी, मैक्सिमम 30 रहेगी। एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे दी जाएगी। बाकी की बात करें हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए तो यहाँ पर जो आपके स्पेशलाइजेशन रहेंगे वो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके रिस्क इंजीनियर के लिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आप होने चाहिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए बीई बीटेक एमई एमटेक आप होने चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा लीगल ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट आप लॉ में होने चाहिए। अकाउंट्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, अप्लाई कर सकते हैं। एओ हेल्थ के लिए एमबीबीएस आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आईटी स्पेशलिस्ट के लिए भी बीटेक एमटेक आईटी कंप्यूटर में कर रखी है तो आप यहां पे अप्लाई कर पाएंगे। बाकी का यहां पे जो क्राइटेरिया है वो आप यहां पे देख सकते हैं। इसमें जो मेन मेन चीज़ें हैं वो आपके साथ में डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो प्री एग्जाम जो रहेगा वो जनरल इंग्लिश एंड रीजनेबिलिटी, उसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा जिसमें कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे 20-20 मार्क्स का आपका यहाँ पे 20-20 मिनट्स आपको दिए जाएंगे एंड यहाँ पर आपका जो पेपर रहेगा वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा 100 मार्क्स का जिसमें कि इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस रहेंगे एंड बाकी हिंदी एंड इंग्लिश के रहेंगे। इसमें 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 3 सेक्शन आपके रखे गए हैं। सेकेंड पेपर आपका जो रहेगा वो यहाँ पे मेन एग्जामिनेशन रहेगा जो कि आप देख सकते हैं 200 मार्क्स का रहेगा। इसमें ऑब्जेक्टिव पेपर्स आपके जो रहेंगे 2.5 आवर्स का टाइम आपको दिया जाएगा। जर्नलिस्ट के लिए यहाँ पे टेस्ट रीजनिंग का रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जनरल अवेयरेंस का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 200 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। बाकी स्पेशलिस्ट के लिए भी यहाँ पे 200 क्वेश्चंस रहेंगे, वो आप डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर्स देख सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन जो आपका रहेगा वो आपका जो आपका मेन एग्जामिनेशन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आपका रहेगा एंड इंटरव्यू रहेगा, उसी के बेसिस पे आपका रखा जाएगा। बाकी उसके अलावा यहाँ पे जो वो आपका स्पेशलिस्ट के लिए भी आपका यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बायोमेट्रिक यहाँ पे आपका डाटा रहेगा,
बाकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, इसमें अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको आवेदन जो आपका रहेगा फीस का वो आपका 100 रुपीज़ रहेगा SC ST PWD के लिए, 850 रुपीज़ आपका ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। इसमें एग्जामिनेशन सेंटर जो रहेंगे वो आपको ऑल ओवर इंडिया में दिए गए हैं, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। टेंटेटिव आपके फेज वन के लिए जो आपके रहेंगे वो पूरे इंडिया में आपको सेंटर्स दिए गए हैं, एंड जो आपका फेज टू के लिए रहेंगे टेंटेटिव वो भी आपको पूरे यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में टेस्ट सेंटर्स दिए गए हैं। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए आप यहाँ पे जो वो लिंक जो वो आपको दिया गया है आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे स्टार्टिंग एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन रहेगी, सेकंड पेमेंट ऑफ फीस का, थर्ड आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का रहेगा। इसको अप्लाई करने के लिए आपको जो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बाकी सारा आपको यहां पे दिया गया है कैसे कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है वो आप इसको पढ़ सकते हैं, और अगर आपको कुछ पूछना हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको इसके ऑफिशियल नोटिस में भी मिल जाएंगी, जो मेन मेन चीज़ें हैं वो आपके साथ मैंने डिस्कस कर दी हैं। बाकी यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट का आपको यहाँ पे फॉर्मेट चाहिए हो तो वो आप इसके ऑफिशियल नोटिस से ले सकते हैं। इसका सिलेबस आपको चाहिए हो तो वो भी आपके साथ मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। अगर आपका यहाँ पे सिलेबस अपलोड करा है इसमें तो मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा। यहाँ पर आप इसकी साइट पर देख सकते हैं, इसकी साइट पे यहाँ पे जो वो इसका सिलेबस नहीं अपलोड करा है तो वो अलग से अगर यहाँ पे अपलोड कर देते हैं तो वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। बाकी उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन फीस से लेके फॉर्म को कब से कब तक अप्लाई करना है एंड क्या क्वालिफिकेशन रहेगी वो सारी चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं। यहाँ पे मेन मेन चीज़ें आपकी जो है वो फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बाकी ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही विजिट कर पाएंगे, वहाँ से ही आप जो वो अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी अदर साइट पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इनका ऑफिशियल नोटिस आप एक बार डिटेल से पढ़ लें, जो भी आपको क्वेरी लेनी हो आप मेरे से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगती है तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।